उर्दू में अफसानवी अदब यानी फिक्शन की तीन शक्लें हैं दास्तान नावल और अफसाना ये बात बहुत दिलचस्प है कि महारत फन के लिहाज से इन तीनों अशनाफ़ का चेहरा गैर मुस्लिमों के सर रहा है दास्तान में पंडित रद्दा नाथ सरसार नाविल में मुंशी प्रेमचंद और अफसाने में कृष्णचंद्र को दूसरों के मुकाबले में जो बर्तरी हासिल है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता प्रेमचंद बैक वक्त नाबल नगार भी थे और अफसाना नबीज भी सर दस उनकी उस हैसियत पर गुफगु मकसूद है इसका ताल्लुक़ अफसाना नगारी से है। अदब के इब्तदाई तलब इमों को ये जान लेना बहुत और ज़रूरी है कि प्रेमचंद की बिलादत जन जुलाई अठारह सौ इक्यासी को शहर बनारस में हुई थी और अक्टूबर 1936 को कमोबेश बेश छप्पन साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ आज उर्दू अफसाना तरक्की की कई मंजिलें तय कर चुका है लेकिन लेकिन जिस वक्त प्रेमचंद ने अफसाना निगारी शुरू की हर चंद के कई हिंदुस्तानी जबानों में इस सिंफ़ को काफ़ी उरूज हासिल हो चुका था लेकिन प्रेमचंद को उर्दू अफसाना निगारी મેં જો બલિયત حاصل ہے ਉਸ સે ઇનકાર નહીં کیا جا سکتا પ્રીમિયમ જંગની કહanioં કી મજમુઈ તાદાદ પહન્ચી 300 કે કરીબ બતાઈ જાતી હૈ ઇનમે હરતાલ કી કહanioં હૈ વો ભી જિનકા તાલુક શજાદ કે કારનામોં સે ભરે ઉસ પુરુષ કો માઝી સે હૈ જો હકીકત સે જ્યાદા રિવાયત કી પેદાવાર હૈ મરિયાદા કે કુરબાનગાર રાની ચારંધા બિકરમાજીત કા તેગા और आला जैसी कहानियाँ इसी जुमरे में आती हैं लेकिन लेकिन प्रेमचंद का असिल कारनामा वह कहानियाँ हैं जिनमें सबसे पहली बार हिंदुस्तान के देही समाज की भरपूर अक्काशी की गई है प्रेमचंद एक सच्चे फनकार थे उन्होंने अपने गिर्दोपेश जिस ज़िंदगी को देखा था जिस ज़िंदगी को बरता था उसे पूरे खलूस दर्द और दयानतदारी के साथ हमारे सामने पेश कर दिया आगे चलकर प्रेमचंद की यह सामाजिक हकीकत निगारी पूछ की रात और कफन जैसी कहानियों तक पहुँचते पहुँचते हकीकत निगारी का वो रूप इख्तियार कर लेती है जिसकी सरहदें इश्तराकी हकीकत निगारी से मिलती हुई दिखाई देती हैं कफन में घीसू और माधो के किरदार एक नाकबिल तर्दीद हकीकत के तर्जुमान हैं और वो हकीकत ये है कि अख्लाक हो मजहब हो समाज हो रीत रस्म हो ये सब भरे पेट की हैं। प्रेमचंद के फिक्री सफर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा काबिल कदर है वो यही है कि वो वक्त के साथ आगे बढ़ते रहे यही वजह है कि जब तरक्की पसंद तहदीक ने तख्लीक ने जन्म लिया तो प्रेमचंद उसके पेशों में शामिल थे और वो ऐसी कहानियाँ तख्लीक कर रहे थे जैसी कहानियाँ रूस में अरसा गुजरने के बाद लिखी गई ये अवलियत किसी दूसरे अफसाना निगार को हासिल नहीं हुई उर्दू हिंदी अफसाना निगारी में तकनीक के जो तजर्बे गुज्तर सदी में के अविर में हुए हैं उनमें अलामती यानी एक्सप्रेशन पर बहुत जोर दिया गया है प्रेमचंद ने अपनी बाज़ कहानियों में इसलूबिया टेक्निक से खूब खूब काम लिया है मसला हक़ की फिक्र दो बैलों की कहानी इसी अलामती इजहार की नुमाइंदगी करते हैं शतरंज के खिलाड़ी भी दरअसल अलामती नौीय की ही कहानी है बज़ाहिर मिर्ज़ा शजाद अली और मीर रोशन अली भाई भाई अली शाही दौर के जवाल लखनवी माशरे के दो किरदार हैं लेकिन गौर किया जाए तो हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि प्रेमचंद ने इस कहानी में महज दो किरदार पेश नहीं किए बल्कि मीर मिर्ज़ा को एक जवाल पजीर की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया है ये वो जवाल पजीर था जिसमें कौमी दिलेरी खत्म हो चुकी थी सियासी शबूर मफहूद था अलबत्त आन बान के लिए मरने मारने से किसी को दरे था हकीक़त यह है उर्दू अफसाने के इसी इब्तई दौर में भी प्रेमचंद के तख्ली सरमाए में कम अज़ कम पच्चीस कहानियाँ ऐसी ज़रूर मिल जाएंगी जो तकनीक और उसलूब के अतबार से दौर हाजिर के किसी अच्छे से अच्छे, अच्छे अफसाने से कमतर नहीं बिलासुबा प्रेम प्रेमचंद सिर्फ एक अफसाना निगार का नाम नहीं बल्कि एक ऐसी जानदार रिवायत का नाम है जो हिंदुस्तान की अदबी तारीख़ लिटरेरी हिस्ट्री का रंग आ, का एक मुस्तकिल और रोशन